नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का पहला प्रश्न हम कर रहे हैं। इसका चौथा भाग है। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये तीन भुजाएं हमें दी गई हैं। हमें देखना है कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है। तो बच्चों देखिए, यदि यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो ये पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित अवश्य करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम देखते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो इनमें से हाइपोटेन्यूज किसको लें, जो सबसे लंबी भुजा होगी वही इस समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, यदि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे बड़ी भुजा है 13, इसको ले लेते हैं हाइपोटेन्यूज, और किसी भी अन्य भुजा को 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा को 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे, यदि यह एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज हमने अभी माना है 13 सेंटीमीटर के बराबर, इसका स्क्वायर बराबर होगा बेस, बेस है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर के। तो आइए देखते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, 5 का स्क्वायर होता है 5 पांच 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन्हें जोड़ करके देखते हैं, ये ऐसे ही रहेगा बराबर 25 प्लस 144, देखिए 5 और 4 हो जाएगा 9, 2 और 4 हो जाएगा 6 और ये रह गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हुई। और यदि पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हुई, अतः सिद्ध हुआ कि यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, अतः सिद्ध हुआ कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से हमने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने इसे सिद्ध किया कि यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के हल देखना चाहते हैं और उन्हें समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप उनके हल देख सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।